हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन. वेलकम टू अ न्यू वीक एंड न्यू बिगनिंग, राइट? तो मुझे लगता है अभी तक तो आप लोग अपनी प्रिपरेशन को प्रॉपरली स्ट्रीमलाइन कर चुके होंगे. तो आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज परसेंटेज. लास्ट टाइम हम लोगों ने इसको पढ़ा तो था, लेकिन कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, तो इसलिए मैं इसको आज दोबारा से शुरू करूंगा. और आज कुछ नए लोग भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तो डेफिनेटली उनके लिए भी ये चीज़ थोड़ी सी प्रॉपर हो जाएगी. तो आई विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम द बिगनिंग अगेन, उसी के ऊपर बात करूंगा, एंड देन वन बाय वन वी विल बी गोइंग अहेड विद द थिंग्स फर्दर, राइट? तो चलिए, परसेंटेज है क्या? परसेंटेज, मैं हमेशा इसको इस तरह से मान के चलता हूँ कि परसेंटेज इज पर 100 ऑफ एनीथिंग. मतलब किसी भी चीज की वैल्यू हर 100 के पीछे क्या रहती है, डेट इज परसेंटेज. तो एक एग्जांपल मैं हमेशा बात करता हूं. फॉर एग्जांपल, देयर इज अ पर्सन, हिज नेम इज SRK, शाहरुख खान. लेट्स से ये शाहरुख खान जी हैं हमारे, और ये लेट्स से 600 मार्क्स लेते हैं आउट ऑफ 800, ठीक है? एंड देयर इज अनदर पर्सन एंड हर नेम इज लेट्स से, हम काजोली ले लेते हैं, बड़ी हिट जोड़ी रही है ना इनकी. तो काजोल लेती है लेट्स से अराउंड, शी ऑल्सो टेक 600 मार्क्स आउट ऑफ 900, ठीक है? या हम इसकी अगर हम बात करें, देर इज अनदर पर्सन, लेट्स से हम उसको लेते हैं, कुछ भी ले लेते हैं, अजय देवगन ले लेते हैं जी, एंड दिस मैन हैज गॉट अराउंड 900 मार्क्स आउट ऑफ 1200, राइट? नो, लेट अस सी कि इनकी परसेंटेज क्या है. ये काम तो आप बचपन से करते हैं कि यार मेरे इतने मार्क्स आए थे, अब मैं देखूं मेरी परसेंटेज क्या है. कई बार हम लोग खुद को खुद से करते थे, कई बार कैलकुलेटर का हेल्प लेते हैं, है ना? लेकिन अभी आपने यहाँ पे क्या देखना है, यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे, इंटू 100 करेंगे, राइट? इसको 100 कर से करते हैं तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा. अगर आप देखें तो ये 0000 कैंसिल, ये 3 और 4 कैंसिल, 4 25s are that gives us 75%. Okay. काजोल की बात करते हैं तो शी हैज गॉट अगेन 100. आप इसको और इसको काटे, 2 3s are 3 3s are, एंड दैट इज 66.66%. एंड इसको अगर हम देखें, इसको भी इंटू 100 करते हैं तो ये 100 और ये 100 कटा, ये 3 आया, ये 4 आया, एंड ये 4 25s, एंड वी हैव गॉट 75% मार्क्स. नाउ इफ यू सी फर्दर, यहां पे बच्चे ध्यान दें तो क्या हो रहा है, ये दो लोग जो हैं दे हैव गॉट द सेम परसेंटेज, वेयर एज दिस मैन हैज, दिस गर्ल हैज गॉट द डिफरेंट परसेंटेज. अब देखिए, यहां पे मार्क्स दोनों के 600 थे, लेकिन काजोल की परसेंटेज कम आई, यानी इसके मार्क्स on every 100 is lesser than marks of Shahrukh Khan on every 100, right? पर क्यों ऐसा हुआ? ऐसा इसलिए हुआ because इनका comparison अलग-अलग लोगों के ऊपर हुआ. अगर हम SRK की बात करें तो SRK का जो comparison था, it was on 800, whereas इसका comparison is on 900, ठीक है? तो क्या हो गया? Comparison अलग-अलग हो गया, यानी base अलग-अलग हो गए, right? जब base अलग-अलग हो गए, तो इसका मतलब जिसका परसेंटेज बेस क्या कहते हैं बड़ा होगा, उसी का परसेंटेज बड़ा होगा, जिसका बेस छोटा होगा. तो स्मॉलर द बेस, बिगर इज द परसेंटेज, एंड बिगर द बेस, स्मॉलर इज द परसेंटेज, राइट? देन वी हैव सीन, व्हाट वी हैव सीन, हमने देखा कि यहां पर ये परसेंटेज 75% और ये परसेंटेज 75% सेम रहा, राइट? ऐसा क्यों रहा? बिकॉज जब हमने 600 और 800 को मिनिमम पॉसिबल टर्म्स में लाया, और यहां पे 900 और 1200 को मिनिमम पॉसिबल टर्म्स में लाया, तो वी हैव सीन
कि ये दोनों केसेस में ये जो मिनिमम पॉसिबल टर्म्स थी ये 3/4 की थी। तो यानी फ्रैक्शन इक्विवेलेंट दोनों का सेम था, फ्रैक्शन पार्ट दोनों का सेम था। तो यहां पर भी ये वाली फ्रैक्शन सेम आई 3/4 और यहां पर भी 3/4 सेम आई। तो एक्चुअल में परसेंटेज है क्या बेटा, परसेंटेज है फ्रैक्शन पार्ट इंटू 100। यानी अगर हमें किसी परसेंटेज को, किसी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो तो हम लोग क्या करते हैं, सिंपली इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो लेट अस चेक हियर, इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे दिस विल गिव अस 75%, इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि फ्रैक्शन सेम है दिस विल गिव अस 75%, राइट। तो इन बोथ ऑफ दीज केसेस द परसेंटेज रिमेन सेम। व्हाई इट रिमेन सेम, बिकॉज हमारी ये जो काट कूट के जो फ्रैक्शन बनी ना वो सेम बनी। लेकिन जब हम काजोल की बात कर रहे हैं ना बच्चे, तो ये क्या बन रहा है, ये बन रही थी 600/900, इसकी फ्रैक्शन इक्विवेलेंट क्या बना 2/3। अब 2/3 जो है वो छोटी फ्रैक्शन है एज कंपेयर टू 3/4, दैट इज वाई उसका परसेंटेज इक्विवेलेंट भी कम आया। अभी हम सीखेंगे ये चीज कि ये है क्या, लेकिन आपको एक ही चीज यहां पे बात करनी है कि जब भी हमें किसी की परसेंटेज निकालनी है तो वो परसेंटेज के लिए हमें क्या चाहिए, हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, किसकी परसेंटेज निकाल रहे हैं वो वैल्यू, किस बेस के ऊपर कंपैरिजन किसके साथ है वो बेस इनटू 100। नाउ व्हाट डू आई मीन बाय बेस, बेस इज दिस, यहां पर हम 800 के साथ कंपैरिजन कर रहे थे 600 को, तो परसेंटेज अलग आई, और जब सेम 600 को हम लोग 900 के साथ कंपैरिजन कर रहे थे तो वैल्यू अलग आई, राइट। एंड इन बोथ ऑफ दिस केसेस व्हाट मैटर्ड हियर इज, यहां पे 900 और 800 अलग अलग था तभी हमारी परसेंटेजेस अलग अलग आई, और इसीलिए हम कहेंगे कि बेस वेरी इंपॉर्टेंट, बेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग जब भी परसेंटेज की बात करेंगे हम एक चीज का ध्यान बहुत ज्यादा रखेंगे कि हम बेस क्या लेके चल रहे हैं, क्या हमारा बेस सेम है या अलग है। तो अगर हमारा बेस सेम होगा तो उसके अकॉर्डिंगली हम परसेंटेज हम फाइंड आउट कर पाएंगे, अगर बेस अलग होगा तो हमारी परसेंटेज की वैल्यूज अलग अलग आएंगी। आगे जब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे बेसिकली ये सब चीजें आपको क्लियर होती जाएंगी, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग यू हैव टू रिमेंबर दिस कि जब भी हम किसी की परसेंटेज निकालते हैं तो वो वैल्यू ऑन सर्टन बेस इनटू 100, राइट। नो इंपॉर्टेंट थिंग इज रूल नंबर 1, व्हाट्स दैट रूल, रूल इज टू कन्वर्ट एनी फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज मल्टीप्लाइड विद 100। टू कन्वर्ट एनी फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज मल्टीप्लाई इट विद 100, वेरी वेरी सिंपल, ठीक। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें 1/2, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए इनटू 100 करेंगे, ठीक है, दैट विल गिव अस 50%। वन अपॉन थ्री, वन अपॉन फोर, अभी हम देखते हैं 1/5, इसी तरह से 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10। नाउ यहां पर देखें अगर हमारे पास कि ये जो परसेंटेज है ये हमारे पास क्या गिवन है, एक सेकंड, यस, ये हमारे पास 1/3 इनटू 100 करेंगे तो हमारे पास क्या रहेगा, 1/3 इनटू 100 इज 33 1/3%। व्हाट आई विल बी गेटिंग हियर, आई विल बी गेटिंग हियर 33 1/3%, राइट। तो इसको या तो मैं क्या लिखूं, 33 1/3% लिखूं, और मैं इसको 33.33% भी लिख सकता हूं। सिमिलरली 1/4 इंटू 100, 1/5 इंटू 100, 1/6 इंटू 100, ये फ्रैक्शन इक्विवेलेंट्स जो हैं ये आपको
याद रखने पड़ेंगे, और अगर ये आप याद रख लेंगे तो आपकी चीजें बहुत ज्यादा आसान होती जाएंगी, राइट। तो आप बच्चों यहां देखें, ये 1/4 है, इसको आप लिखेंगे 25%, राइट। इसको आप लिखेंगे 20%, इसको आप लिखेंगे 6 से कटेगा तो आ जाएगा 16 2/3%, यस। और जब भी 2/3 आता है इसको हम लोग लिख सकते हैं और 16.66%, ये चीज ध्यान देनी है आपने, ठीक है। या तो मैं इसको लिख सकता हूं 16 2/3%, और 2/3 का मतलब है 0.66%, तो हम इसको 16.66% भी लिख सकते हैं। इट इज 14 2/7% और 14.28%, दिस इज 12 1/2%। मैं सिंपली डिवाइड कर रहा हूं, मेरी कैलकुलेशन थोड़ी तेज हो गई है आपके साथ काम कर करके, तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी लिख रहा हूं। 1/9 इज 11 1/9% और 11 point what, अब यहां पे देखें तो ये क्या आ जाएगा, 11.09%, ठीक है, 11.11%, एंड 1/10 इज 10%, ठीक। नो इंपॉर्टेंट थिंग हियर इज, ये बात तो आपको यहां तक समझाई कि हम लोगों ने जस्ट किया क्या है, हम लोगों ने यहां पे किया है कि हम लोगों ने यहां पे जस्ट मल्टीप्लाई किया है, राइट। नाउ अब यहां पे एक चीज जो है ना समझने वाली वो ये है कि ये इसका परसेंटेज इक्विवेलेंट है, इस फ्रैक्शन का परसेंटेज इक्विवेलेंट है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कोई बोले कि आपके पास 1000 रुपीज है और आप इसको 3 लोगों में बांट दो तो सबको 33% मिलेगा, यानी सबको 333.33 रुपीज मिलेगा। या आपको कोई बोले कि यार क्या बोले, ये बोले कि आपने क्या करना है जी, आपके पास 1000 रुपीज है और आप 4 दोस्त आपस में इक्वली बांट लो, यानी सबको 1/4 मिलेगा। 1/4 का मतलब है 25% मिलेगा। तो इन सब चीजों का मतलब ये है, 1/4 का मतलब डायरेक्टली 25% लिया जा सकता है। नाउ आप यहां पे देखें कि अगर हम लोग यहां पे किसी चीज को एक पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें नेक्स्ट भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे आप यहां पे देखें, ये 1/3 इज व्हाट, 33 1/3%, इसका मतलब अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 2/3 बन जाएगा, है ना। और अगर ये 2/3 बन जाएगा तो इसका फ्रैक्शन परसेंटेज इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, इस पर्टिकुलर पार्ट को भी आप क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर पार्ट को भी आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। नो, जब आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बनेगा, 33 का डबल 66 एंड 1/3 का डबल 2/3%, तो इट इज 66 2/3%, राइट। सिमिलरली अगर आप आगे फर्दर जाएं तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ना बेटा, तो ये आपको क्या बनेगा, 3 into 1/3, 3 कटेगा तो 1 आ जाएगा। सिमिलरली जब इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बनेगा, ध्यान से सुनना मेरी बात, 33 into 3 99, 3 into 1/3 is 1, 99 plus 1 is 100। तो इसलिए हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करने का मतलब यही है कि जब भी 3 से मल्टीप्लाई किया जाएगा इट विल बिकम 100। तो लेकिन अगर मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ध्यान दीजिएगा, इसको 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, 33 into 4 is 132, 4 into 3 1/3 is 4/3, तो यह आ जाएगा 132 4/3, राइट। 132 4/3 से अगर मैं इसको लिखूं तो जो 4/3 होता है ये है एक्चुअल में, व्हाट इज 4/3, 4/3 is 1 1/3, ठीक है, 4 4/3 is 1 1/3, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं 33 1/3। ये बच्चों याद रखने आप सबने, ये मैं ऐसे नहीं आपको लिखवा रहा कि कैलकुलेशन दिखाने के लिए, ये मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि ये सब यूज होने आगे, हां जी। तो इसलिए इसको आपने बड़े ध्यान से देखना है,
राइट। तो आगे देखेंगे 1/4 × 100 = 25%, 3 से मल्टीप्लाई कर दें, अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/4 1/2 आ जाएगा, 1/2 तो हमें पता है कि 25 × 2 50% होता है, ये तो ऑलरेडी पता है, लेकिन अगर आप इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो दिस विल बिकम 3 × 25 यानी 75%। इसी तरह से अगर आप इसको क्या करते हैं, इसको आप करते हैं मल्टीप्लाई 2 के साथ, तो ये बनेगा 2/5 = 40%, 3/5 = 60%, 4/5 = 80%, एंड सो ऑन। तो ये बात इस तरह से आगे चलती जाएगी, ठीक है। किसी को भी आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1/3, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये बनेगा 32 + 4/3, 4/3 होता है 1/1/3, तो 32 + 1/3 बन जाएगा 33/1/3, तो सेम वैल्यू आएगी, राइट। लेकिन अगर आप इसको क्या करेंगे, अगर आप इसको 1/7 लीजिए, तो इसको अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये बनेगा 2/7 = 28, 4/7। लेकिन अगर आप इसको 3/7 लिखते हैं तो 14 × 3 = 42, 3 × 2 = 6, तो आपके पास बन जाएगा क्या 42 6/7%। मतलब जैसे जैसे आप इस वाली पार्ट को मल्टीप्लाई करते जाएंगे आपका फ्रैक्शन परसेंटेज इक्विवेलेंट उसी तरह से फर्दर मल्टीप्लाई होता जाएगा एंड यू विल बी गेटिंग योर वैल्यूज, राइट। हाँ, फर्दर जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैं ये 1/8 की अगर हम बात करें तो 1/8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1/4 बनेगा, विच इज 25%। Why? Because 12.5 का डबल भी आप लेंगे, 1/8 को 2 से मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या है, 1/8 को आप डबल कर रहे हैं, तो 12.5 को भी डबल करेंगे तो 25% आ जाएगा। लेकिन अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करता हूं, ये ध्यान देने वाला है, अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा हमारे पास 3/8 is 3 × 12.5, यानी ये बन जाएगा आपके पास 37.5%। 5/8 4 से करूंगा तो ये हमारे पास 1/2 बन जाएगा, क्योंकि 4 × 1/8 is 1/2, 5 से करूंगा तो 62.5%, 6 से करूंगा तो 6/8 3/4, एंड 3/4 वी हैव ऑलरेडी गॉट, इट इज 75%। लेकिन 7 से करूंगा तो It is 87.5%। ये जो मैं जितने आपको ये लिखा रहा हूं ना, ये आपने नोट करने हैं और याद भी रखने हैं। सिमिलरली 8 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 8/1/8 = 8 कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा। लेकिन अगर इसको 9 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये 112.5% आ जाएगा। तो ये जो छोटी छोटी वैल्यूज हम लोगों ने यहां पे देखी ना बेटा, इसको आपने ध्यान रखना है, इसको आपने नोट करना है। आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स, जस्ट नोट डाउन दिस चार्ट और फिर हम लोग क्वेश्चंस करना शुरू करेंगे इसके ऊपर, जल्दी करेंगे जी, शाबाश। जल्दी जल्दी जी, 2 मिनट दिए मैंने आपको।
होपफुली आप लोगों ने नोट कर लिया होगा अभी तक। चलिए फर्दर करते हैं जी आगे। चलें जी बेसिक के क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। सबसे पहले आपको ये क्वेश्चन में ना कंसेप्ट समझना है, ठीक है, बड़े ध्यान से इसको देखना है, क्योंकि ये कंसेप्ट आपको समझ आएगा तो आपको आगे टॉपिक बड़ा मजेदार होना शुरू हो जाएगा। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, हम कहते हैं इफ एज सैलरी इज 25% मोर देन बी सैलरी, बाय व्हाट परसेंट बी सैलरी इज लेस देन ए सैलरी। ठीक है, ये चीज हमें ध्यान देनी है, बड़े ध्यान से देखना इसको जी। ये जो कहते हैं ना हमारे पास, अब एक इंपॉर्टेंट चीज जो हमने यहां पे सीखनी है, इसको मैं दो अलग अलग तीन अलग अलग तरीकों से कराऊंगा, आपने सब बड़े ध्यान से देखने हैं। पहली बात ये क्या पूछ रहा है, ये बोल रहा है कि इफ ए सैलरी इज 25% मोर देन बी सैलरी, तो पहला कंपैरिजन वो बी की सैलरी के साथ कर रहा है, मतलब बेस है बी की सैलरी। फिर ये बोलता है बाय व्हाट परसेंट बी सैलरी इज लेस देन ए सैलरी, तो सेकंड केस में बेस जो है वो ए की सैलरी आ जाती है, यानी बेस चेंज है दोनों केसेस में। ठीक है, बस इस चीज का खास ध्यान रखना है। कई बार कई लोगों को मैंने बोलते सुना है कि यार अगर ए की सैलरी बी से 25% ज्यादा है तो सिंपल है बी की सैलरी ए से 25% कम होगी। नो 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 नो, ऐसा नहीं होता भाई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता मेरे बच्चे। होता क्या है देखें, यहां पे हम लोगों के पास सबसे पहले हमने बी की सैलरी लेनी है। एक और इंपॉर्टेंट चीज, अगर हमारे पास कोई वैल्यू गिवन नहीं है, कोई वैल्यू जैसे यहाँ पे बी की वैल्यू गिवन नहीं है, तो कोई वैल्यू अगर गिवन नहीं है तो हम उस वैल्यू को क्या लेके चलते हैं, 100। यस रिमेंबर, हम उस वैल्यू को 100 लेके चलते हैं। ठीक है, तो यहां पे अगर आप देखें तो जब भी कोई चीज हमारे पास गिवन नहीं होगी हम उस वैल्यू को 100 लेके चलेंगे। ठीक है, तो 100 क्यों लेके चलेंगे, उसका एक बहुत बड़ा रीजन ये है कि 100 बड़ी मजेदार सी फिगर है, क्योंकि 100 में आप जितना परसेंटेज इंक्रीज करते हो, इंक्रीज करोगे तो वो ऐड हो जाएगा, डिक्रीज करोगे तो माइनस हो जाएगा। 100 का ये सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है, 100 के साथ ज्यादा पंगा करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अगर आप पूछते हो कि 20% अबव 100 इज 120, 20% लेस देन 100 इज 80, अगर आपसे बोलता है कि 30% अबव 100 इज 130, 30% लेस देन 100 इज 70, तो 100 के साथ हमें ये बहुत बड़ा फायदा होता है, इसलिए आप 100 को वैल्यू लिखो लेके चलते हैं। तो हम यहां पे सबसे पहले ऐसे लिखते हैं, लेट बी सैलरी इज रुपीज 100, तो ए सैलरी सिंपली क्या आ जाएगी, सीधी सीधी 25% मोर है तो रुपीज 125। ठीक, ये बात तो हमें पहले केस से समझ आ गई। अदरवाइज हम लोग क्या बात करते हैं, हम लोग एक और चीज की बात करते हैं। जब हम लोग बात करते हैं ना कि हमने किसी की वैल्यू 25% ज्यादा लेनी है तो हम उसको ऑटोमेटिकली 125% ले लेते हैं। किसी की वैल्यू अगर 50% ज्यादा लेनी है तो हम ऑटोमेटिकली इसको 150% ले लेते हैं। जैसे सपोज अगर बी की सैलरी 100 है तो ए की सैलरी को मैं डायरेक्टली 125% को हम 100 डिनोमिनेटर में लिखते हैं ऑफ वैल्यू 100, तो
तो ये सीधा सीधा कट जाएगा, 125 आएगा। सपोज बी की सैलरी 300 होती तो हम ए की सैलरी निकालते 125% ऑफ 300, 0-0 कट जाता, हमें 375 वैल्यू मिल जाती। तो इसी तरह से हम लोग वैल्यू को डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आता हूं जी इसके ऊपर। अब ए सैलरी इज रुपीज 125, बी सैलरी इज 100, डिफरेंस कितना है? डिफरेंस इज 125 माइनस 100, दैट इज 25। अब ये 125 माइनस 100 आ गया, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अभी हमसे क्या पूछता है? ये हमसे पूछता है बाई व्हाट परसेंट बी सैलरी इज लेस देन ए सैलरी। इतना तो हमें पता चल गया कि बी की सैलरी 25 यूनिट्स कम है, लेकिन कब? जब ए की सैलरी 125 है। यस, अब बेस क्या आ गया? बेस चेंज हो गया ना पुत्र, बेस क्या बन गया? बेस बन गया 125, क्योंकि हम ए के साथ कंपैरिजन कर रहे हैं। तो हमारे पास क्या बनेगा? हम लोग लिखेंगे डिफरेंस इज दिस, सो परसेंटेज लेस इज व्हाट? 25 अपॉन 125 इनटू 100। व्हाट इज 125? इट वाज ए सैलरी, 25 फाइव्स आर, ये क्या बन गया? 1/5। 1/5 अगर आपको फ्रैक्शन इक्विवेलेंट याद होगा, दिस इज 20%, दैट इज द आंसर फॉर अस। ठीक है, ये हो गया एक तरीका जिसको आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक, दिस इज वन वे ऑफ डूइंग द थिंग्स, लेकिन हमारे पास इन सब चीजों के लिए इतना टाइम नहीं होता। फिर कई बार कई बुक्स में ना फॉर्मूला दिया हुआ है, उन्होंने कहा इस तरह के क्वेश्चन में हम लोग क्या यूज कर सकते हैं? परसेंटेज लेस is what? It is, हम लोग डायरेक्टली बात कर सकते हैं। वो कहते हैं कि जब ऐसी बात हो तो हम लोग लिखते हैं इसको, या परसेंटेज चेंज को लिखते हैं, R अपॉन 100 प्लस माइनस R इंटू 100। तो आप इसको देख सकते हैं परसेंटेज लेस और मोर, परसेंटेज लेस और मोर को वो ये फॉर्मूला यूज करते हैं। अब व्हाट इज आर हेयर? आर इज द परसेंटेज गिवन इन द क्वेश्चन। जैसे कि अब यहाँ पे हमारे पास वैल्यू जो थी वो क्या थी? 25% थी। तो ये बोलता है कि यार आप सेम चीज को ना आप ऐसे भी तो सर कर सकते हो कि परसेंटेज लेस की बात हो रही है तो आप लिखो 25, क्योंकि ये 25 आ रहा है, आर इज दिस 25, इसको हम लोग आर मान रहे हैं इस क्वेश्चन के हिसाब से, दिस इज आर, ये हमारे पास आर है। ऑन 100 प्लस 25, क्योंकि पहले मोर है, मोर होगा तो आप 100 प्लस 25 लोगे इनटू 100। तो इस तरह से क्वेश्चन और इजी हो जाता है, फास्टर हो जाता है, और दैट गिव्स यू अगेन 20%। लेकिन इसमें ना एक मुझे कमी लगती है। मुझे क्या कमी लगती है? मुझे ये कमी लगती है कि यार हमें याद क्यों रखना है कि यार किस क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला यूज करना है? अगर मेरा कंसेप्ट क्लियर है तो मुझे इस चीज को याद रखने की जरूरत ही क्या है? तो मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज कंसेप्ट, मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज फोकस ऑन द कंसेप्ट। अब मैं जिस तरह से करता हूं, आई एम गोइंग टू टीच यू दैट। मैं इसको ऐसे लेता हूं कि सपोज एक बंदा है, उसकी सैलरी 100 थी, ठीक है, ये बी की सैलरी है। अब क्या हुआ? ए की सैलरी इससे 25% ज्यादा थी, तो ये सिंपली 125 आ गई, राइट? राइट। अब ये बोलता है कि अगर ए की सैलरी 25% ज्यादा थी, बी की सैलरी कितनी कम है? बी पता है हमें 100 है। जब हम ए की तरफ जा रहे थे तो हम बी के से कंपैरिजन करते हुए ए पे जा रहे थे, तो हमने 25% बी को बेस लेके सीधा ऐड कर दिया। लेकिन जब हम यहां पे आ रहे हैं तो हमने ये 25 यूनिट्स कम करना है, किसके ऊपर कम करना है? ए के ऊपर। तो डायरेक्टली यहां पे आ जाएगा 25 अपॉन 125 इनटू 100, तो वैल्यू आपको सीधा 20%। इस केस में हमें ये लिखना नहीं है, ये नोटंकी नहीं लिखनी है, ये हमें चाहिए भी नहीं, हमें तो चाहिए कंसेप्ट। और दिस गिव्स यू द कंसेप्ट कि यार हम लोगों के साथ हुआ क्या। अब इस केस में ये जो ये चीज मैंने बनाई, इसमें बहुत सारी अलग अलग चीजों में हम इसको देख सकते हैं, सिचुएशंस में देख सकते हैं। ये वैसा भी हो सकता है कि एक बच्चे की पॉकेट बनी है 100 रुपीज, एक बार उसने टेस्ट में बड़े अच्छे नंबर लाए तो पापा ने कहा जा तेरी पॉकेट मनी 25% इंक्रीज की,
बच्चा बड़ा खुश हो गया, 100 से 125 पे पहुंच गया, लेकिन इसी खुशी के चक्कर में वो पढ़ाई पे काम देना, उसने ध्यान देना कम कर दिया, तो नेक्स्ट टाइम उसके टेस्ट में मार्क्स कम आ गए। पापा को आ गया गुस्सा, पापा ने कहा तू डिजर्व ही नहीं करता, गिव माई पॉकेट मनी बैक टू मी, आई विल नॉट बी गिविंग यू एक्स्ट्रा मनी। तो उसने 125 रुपए में से 25 रुपए कम करके पापा को वापस दे दिए, उसके पास 100 रुपीज ही बच गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यही हुआ कि पेन थिंग इंक्रीज बाय 25%, फिर पूछता है वो कितना डिक्रीज करे कि वापस अपनी पुरानी वैल्यू पे आ जाए, तो वो 100 रुपीज था, है ना। तो यहां पे हमें पता लगा कि उसको डिक्रीज जो करना पड़ेगा वो 20% करना पड़ेगा। दिस इज हाउ वी कैन सी अप द थिंग्स, राइट। नाउ इसी तरह से ऐसी ही चीजों को, सेम क्वेश्चन को मैं एक और तरीके से लिखता हूं, मैं इसको ऐसे भी लिखता हूं, क्या ध्यान से देखना, प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीजेस बाय 25%, by what percent its consumption be decrease, matlab jo consumption hoti hai uski, by what percent its consumption be decreased so that expenditure remains same, लैंग्वेज बिल्कुल अलग सी है लेकिन समझेंगे अगर तो क्या हुआ यहां पे। इफ यू सी हमारे पास क्या है, ये बोलता है प्राइस ऑफ ए कॉमोडिटी इंक्रीजेस बाय 25%, अगेन प्राइस इज नॉट गिवन टू अस, तो हम उसको लेंगे क्या 100 से 100, ठीक है। तो इस बार हम इसको मानते हैं कि यह हमारे पास क्या है, यह हमारे पास इनिशियल प्राइस है, इंक्रीजेस बाय 25%, ये हमारे पास आ गया फाइनल प्राइस, राइट। लेकिन फैमिली कहती है कि मेरे पास ना 100 रुपीज है, मैं ज्यादा पैसे नहीं खर्च कर सकती, मेरा तो बजट ही बड़ा कम है क्योंकि आजकल तो मुझे मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है। तो ओके माना जाता है जी, ठीक है ओके मान लिया आपकी बात, तो कहते जी 100 रुपीज की चीज ही ले लो। तो तब फैमिली क्या करेगी, फैमिली वर्थ 25 रुपीज की चीज कम लेगी, ठीक है ना। किसके ऊपर कम लेगी, जब प्राइस जो है वो 125 हो गया, तो इट इज अगेन द क्वेश्चन विल बी डन इन द सेम वे, 25 अपॉन 125 इनटू 100 एंड दैट हैज गिवन अस द 20%। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज अलग अलग हो सकती है बट करने का तरीका सेम है, ठीक है। जल्दी से आप नोट करें इनको, फिर मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेके चलता हूं, और किसी को कोई प्रॉब्लम है तो काइंडली आस्क मी इन द चैट, अगर किसी को कुछ चीज समझ नहीं आई तो चैट में मुझे बताइए। शाबाश, फटाफट से चलिए जी नेक्स्ट देखते हैं। अब इसी क्वेश्चन को हम लोग एक अलग तरीके से देखते हैं। हमारे पास होता क्या है, अगेन एक चीज आपने ध्यान देनी है, अगर मेरे पास प्राइस इनटू कंजम्पशन क्या होता है, एक्सपेंडिचर, फिर
प्राइस इंटू नंबर ऑफ आइटम्स इज रेवेन्यू। मतलब एक बंदे ने एक शॉप खोली, उसके ऊपर उसने 10 रुपीज की एक ब्रेड बेच रहा है, और अगर दिन में वो 500 ब्रेड बेच रहा है तो उसके पास कितने पैसे मिल रहे हैं उसको? उसको 5000 रुपीज मिल रहे हैं, राइट? नाउ द नेक्स्ट इज लेंथ इनटू ब्रेथ बोले तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल। चलिए इन्हीं के ऊपर हम पहले बात करते हैं। इफ यू सी तो हमारे पास क्या है, हमारे पास है देखें, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इंक्रीजेस बाय 20%। बाय व्हाट परसेंट? इट्स ब्रेथ वी डिक्रीज सो दैट एरिया रिमेन्स सेम। सो दैट एरिया रिमेन सेम। अभी यहां पे क्या था, पिछले केस में था एक्सपेंडिचर रिमेन सेम। इफ यू सी यहां पे एक्सपेंडिचर रिमेन सेम था और यहां पे एरिया रिमेन सेम है। मतलब बात तो सेम ही हो रही है, बात में तो कोई डिफरेंस नहीं आया। डिफरेंस सिर्फ क्या आया, लैंग्वेज में डिफरेंस में समझ आया। लैंग्वेज को समझने में हमें ध्यान देना है बस। तो अभी यहां पर हमारे पास क्या है, यहां पर है अगेन, मैं इसको ऐसे लूंगा कि एरिया वन जो था वो इनिशियल एरिया वॉज 100, इंक्रीज बाय 20% इट बिकम्स 120। कहता है हाउ मच ब्रेथ बी डिक्रीज सो डेट एरिया रिमेन सेम, तो एरिया दोबारा से 100 हो जाएगा। यानी अभी एरिया को जो डिक्रीज करना है वो 20 यूनिट्स डिक्रीज करना है। किसके ऊपर डिक्रीज करना है? 120 के ऊपर डिक्रीज करना है। तो परसेंटेज डिक्रीज क्या आ जाएगी, सिंपली इट विल बी 20 ऑन 120 इनटू 100। दिस इज गॉन 1/6। 1/6 आपने पढ़ा है 16 2/3%। आपने इसको पढ़ा है 16 2/3%, राइट? तो माय आंसर विल बी ओनली दिस, आई विल बी गेटिंग द आंसर ओनली बाय दिस थिंग। मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं। नाउ हाउ टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट फर्दर। आपके पास सेम चीज अगर ऐसे बोली जाती कि यार ये जो है इस बार इंक्रीज नहीं हुआ, इस बार डिक्रीज हुआ, तो हम क्या करेंगे? करना कुछ नहीं है, डिक्रीज होगा तो हमने नेगेटिव वाली साइड पे चले जाना है, बाकी सब चीजें सेम ही रहेंगी। फॉर एग्जाम्पल आपको बोलता है कुछ इस तरह से कि प्राइस ऑफ टिकट इन केसी सिनेमा डिक्रीजेस बाय लेट्स से 20%। बाय व्हाट परसेंट द नंबर ऑफ पैटर्न्स भी इंक्रीज्ड सो डेट रेवेन्यू रिमेन सेम। देखिए क्या बोला हमने, प्राइस डिक्रीज हुआ यानी ये चीज डिक्रीज हो रही है, और दूसरी चीज को कितना इंक्रीज किया जाए ताकि ये जो रेवेन्यू है ये सेम रहे, ठीक है? तो बात फिर से वैसे ही है। हम मानते हैं कि लेट से पहला रेवेन्यू 100 रुपीज था, डिक्रीज हुआ बाय 20%। अब डिक्रीज है तो -20 एंड इट हैज कम टू 80, राइट? ये पूछते हैं कितना इंक्रीज किया जाए, इसमें कितना ऐड किया जाए, तो ऐड +20 किया जाएगा सो डेट इट बिकम्स
हंड्रेड कितना ऐड किया जाए कि इट बिकम सेम, रेवेन्यू रिमेन सेम, यानी 20 यूनिट्स का रेवेन्यू इंक्रीज होना चाहिए। इसका मतलब 20 कस्टमर्स इंक्रीज होने चाहिए ऑन एवरी 80 कस्टमर्स, 1/4 एंड 1/4 इज 25%। दिस बिकम्स द आंसर फॉर अस, दैट्स इट। तो दिस इज हाउ सिंपल इट इज कि हम इसको कितनी जल्दी कर सकते हैं इस तरह से, राइट है ना जी। तो एक क्वेश्चन और करूंगा। अब ये चीजें हमें कहां कहां पे काम आती हैं, कैसे कैसे और कैसे लिखा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल अभी क्या है, हमने अभी तक जितने भी केसेस देखे उसमें हमने क्या देखा कि एक चीज को इंक्रीज किया जाए वापस उसी जगह पे ले आया जाए, या एक चीज को डिक्रीज किया जाए वापस उसी जगह पे इंक्रीज करके ले लिया जाए। तो अगर हम वैसे नहीं लेते, कुछ और लेते हैं, हम कहते हैं लेट्स से इस तरह से कि लेट्स से लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल, अब ये देखिएगा लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल डिक्रीजेस बाय 20%, राइट। बाय व्हाट परसेंट इट्स ब्रेथ बी इंक्रीज्ड so that area increases by 20%। अब देखें पिछले केसेस में बात हो रही थी रिमेन सेम की, है ना, एरिया रिमेन सेम, रेवेन्यू रिमेन सेम, लेकिन यहां पे बात क्या कह रहे हैं, ये कह रहा है कि एरिया भी इंक्रीज हो जाए बाय 20%। हाउ वी विल बी डूइंग दिस क्वेश्चन, अगेन ध्यान देना जी। हम बात कहेंगे कि लेट्स से फर्स्ट एरिया इज 100, राइट, डिक्रीज बाय 20%, ये बन गया 80। नाउ इंपॉर्टेंट थिंग इज बाय व्हाट परसेंट द एयर ब्रेथ बी डिक्रीज सो दैट एरिया इंक्रीजेस बाय 20%। ये जो 100 है ना, 100 से ऊपर 20%, इसका मतलब ही इज टॉकिंग अबाउट 120 दिस टाइम, कि भाई पहले 100 था 80 पे पहुंचे, बताइए ये 120 पे कैसे पहुंचेगा। तो अगर देखें तो यहां पे क्या हो रहा है, 40 यूनिट्स का इंक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है, 40 यूनिट्स का इंक्रीज हो रहा है इस बार, 80 से 120 पे जाने के लिए 40 यूनिट्स का इंक्रीज हो रहा है। तो इसलिए परसेंटेज इंक्रीज क्या बनेगी, 40/80 × 100, यानी 1/2, सो माई आंसर इज 50% दिस टाइम। तो आपको इसी तरह से ही क्वेश्चन करने हैं। आपको क्वेश्चन के लिए वो लंबा लंबा मेथड यूज नहीं करना है, और ना ही वो खिचड़ी पकानी है, वो लिखना है राइटिंग, कुछ नहीं। आपको आंसर मिनिमम पॉसिबल टाइम में चाहिए, सो दिस इज हाउ यू विल बी एबल टू डू दैट, राइट। तो आपने आज इन सब चीजों को बड़े अच्छे से देखना है, गो थ्रू करना है प्रॉपरली, फ्रैक्शन इक्विवेलेंट्स क्या है वो देखना है, कंसेप्ट के ऊपर बात करनी है, और जो ये हमने आज पहला क्वेश्चन आपसे, पहला रूल टाइप वन आपसे आज डिस्कस किया, ये टाइप वन के क्वेश्चन थे, टाइप वन का आपसे डिस्कस किया, आपने इसको गो थ्रू करना है। जो चीज समझ नहीं आएगी यू आस्क मी इन द ग्रुप, आई एम ऑलवेज एट योर डिस्पोजल। तो इसको आज हम इतना ही रखेंगे, आज आप ढेर सारी प्रैक्टिस करेंगे, ढेर सारी बार इसको देखेंगे, नहीं समझ आएगा तो एक बार दो बार वीडियो को दोबारा से प्ले करके देखिएगा, लेकिन मुझे लगता है कि कंसेप्ट इतना डिफिकल्ट नहीं है, बड़े आराम से आप लोग क्लियर कर लेंगे, राइट। तो आज हम इतना ही रखेंगे, कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद।